बहुत दिनों के बाद बाइक निकालने की खुशी अलग है। ऑलमोस्ट मैं एक हफ्ते या फिर 5 दिन के गैप के बाद बाइक निकाल रहा हूँ, और ये मिरर देख सकते हो आप, गया पूरा काम से, सोसाइटी में ही टूट गया। किसने तोड़ा या टूट गया, कुछ गिरा उस पर, वो नहीं मालूम। अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल मैं पेट्रोल फिल करने, और एक राउंड भी मारूंगा। वैसे हमारे सिटी में तो अभी काफ़ी केसेस जो है वो कम है, इतने रिस्ट्रिक्शन नहीं है फ़िलहाल में, बट फिर भी कोरोना की वजह से थोड़ा सेफ़ रहना पड़ेगा, कोरोना से दूर रहना पड़ेगा, सेफ्टी मेजर्स लेके ही बाहर निकलना पड़ेगा। तो पेट्रोल भरा के हो गया, ये ऑक्सीजन आया है शायद, ऑक्सीजन की कमी है आजकल, बहुत से जगह पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है लोगों को। ओके बाय द वे वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। बहुत दिनों के बाद अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 1.5 महीने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 1.5 महीने तक मैं कहीं पे भी नहीं गया था, पेट्रोल में ज़्यादा फिल नहीं करता हूँ, अभी भी मैंने 200 का ही डाला है क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में। 200 का इसके लिए भर के रखता हूँ, इनकेस अगर कुछ इमरजेंसी आता है तो वो तभी काम में आएगा, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत रहता है। सो इट्स बेटर टू प्ले सेफ। अब आगे तो पुलिस अंकल खड़े हैं, मुझे इधर से जाना है। सो बेसिकली ये लॉकडाउन की वजह से हम लोग का जो बड़ा प्लान था वो पूरा कैंसिल हो गया है, एंड मोस्टली वो अगले साल पे गया है। तो अभी तो किधर भी नहीं जाने का है फिलहाल, अगर लॉकडाउन खुलता है तो यहीं पे हम लोग घूमेंगे आसपास जो भी है सेफली। हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं नसीब से हमको कोई भी क्राउड नहीं मिलता है वहाँ पे। हम लोग कोरोना के टाइम में अभी तक जहाँ पे भी गए हैं आपने देखा रहेगा कि ज़्यादा पब्लिक नहीं है। आप देख सकते हो फिलहाल में ये जो लोग घूम रहे हैं तो वो भी शाम के टाइम, और कोई कोई लोग मॉर्निंग के टाइम निकलते हैं। मॉर्निंग का तो मुझे पता नहीं है, मैं मॉर्निंग मेरा थोड़ा लेट होता है। मैंने 1.5 महीने से अभी तक कुछ भी नहीं मंगाया भी नहीं है घर पे, और बाहर जाके भी नहीं खाया है, टू बी ऑनेस्ट ये ऐसा ही चल रहा है। तो अभी मुझे और एक राइडिंग पार्टनर मेरा ज्वाइन करने वाला है विक्की। फ़िलहाल में हम लोग जाएंगे ड्राइविंग रेंज पे, आई गेस विक्की आगे गया है, लेट्स कैच हिम। यू बॉय, कल का जो मौसम था वो अलग था, आज धूप निकल आया है। कल फुल क्लाउडी था, परसों बारिश बहुत थी, परसों आई मीन जब साइक्लोन आया था उस दिन की बात कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे भी लोग आते हैं, ये गोल्फ कोर्स है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड है, थोड़ा सा बहुत नहीं है, मतलब हिल पे चढ़ने के लिए थोड़ा आप बाइक लेके जा सकते हो। हम लोग ऐसे ही लेके जाने वाले हैं, रास्ता है ऑफ रोड का थोड़ा सा, तो इसके लिए हम लोग जाने वाले हैं। ऑफ रोड ये वाला नहीं है एक्चुअली, ऑफ रोड आगे है। एक्चुअली पीछे तक रास्ता बना दिया है, और एक प्रॉब्लम मेरे को हमेशा आ रहा है अभी जब तक मिरर नहीं आएगा, कि मैं हमेशा अभी आदत के हिसाब से लेफ्ट साइड में देखता हूँ पीछे कोई है क्या, एंड मालूम पड़ता है मिरर ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे बारिश के टाइम में आने को बहुत अच्छा लगता है, दबदबा जो बोलते हैं वाटरफॉल वो भी है, वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूँगा अगर बारिश के सीज़न में बाहर निकलने को मिला, या लॉकडाउन नहीं रहेगा या स्ट्रिक्ट नहीं रहेगा इतना। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देखिए ये लोग चढ़ते हैं यहाँ पे, और आगे टॉप पे एक पॉइंट है जहाँ पे लोग बैठते हैं चिल करने के लिए, वहाँ से पूरा ओपन व्यू आता है। और मेरे ख्याल से ऊपर एक केव भी है, ऑफ रोड में आएगा अभी मज़ा, एंड दिस इज़ द ऑफ रोड। बहुत मज़ा आता है मेरे को एडवेंचर करने के लिए हमेशा। ऑल्दो मेरे टायर तो पूरे घिस चुके हैं, लेकिन मज़ा उतना ही आ रहा है। ऐसा राजमाच का एक वीडियो देखा था मैंने, तो सेम मुझे वहीं पे वहाँ पे भी जाने की इच्छा हो रही है आगे चल के। तो कुछ इस तरह दिख रहा है यहाँ से, और
यहाँ पे अपनी बाइक खड़ी है मिस्टर वी की। यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ पे भी लोग है इस पॉइंट पे, और बारिश के सीजन में यहाँ पे वाटरफॉल होता है ये वाले पॉइंट पे, और बड़ा वाला वाटरफॉल इसके पीछे रहता है। और हमेशा हम लोग ट्रैक पे रहते थे, मिलते थे। ये जो पॉइंट है ये है सेंट्रल पार्क, और ये नज़ारा पूरा। यहाँ पे लोग जॉगिंग करने आते हैं, बैठने के लिए आते हैं, टाइम पास करने आते हैं। वैसे ही हम लोग आज सिर्फ एनवायरनमेंट में, नेचर में आए हैं शांति के लिए। बहुत दिन से वर्क फ्रॉम होम चालू है, और मैत्रे को भी फ़ोन किया था, उसने रिसीव नहीं किया, और वो वैसे भी ज़्यादा बाहर निकलता नहीं है, सिर्फ कुछ काम रहेगा तो ही बाहर निकल रहा है कोरोना की वजह से। कल जब मैं आया था तो मौसम पूरा का पूरा अच्छा था, एकदम क्लाउड्स थे, सन बिल्कुल भी नहीं था। आज उल्टा हो गया, बट कोई नहीं, मज़ा आ रहा है आज। हर एक दिन का एक नया एक्सपीरियंस रहता है। मैं 2 साल पहले जब आया था तो इसके आगे भी बाइक लेके गया था, एंड रोड है, कच्चा रोड है, ऐसा कुछ नहीं, बट यहाँ से भी हमको आना था तो, लेकिन बीच में एक बड़ा पत्थर है, इसकी वजह से हम लोग ऊपर नहीं लेके आए बाइक। चलो निकलते हैं, अभी 7 बज रहे हैं। ओए ओए ओए, जब लास्ट टाइम मैंने ऑयल चेंज किया था तो 5,500 के आसपास चेंज किया था, 5,500 किलोमीटर्स के आसपास। अभी हो चुका है 11,884 एंड ऑयल आ चुका है मेरे पास। मैं इसके लिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ऑयल फ़िल्टर भी मैंने मंगाया है, क्योंकि जब से लिया है बाइक तब से ऑयल फ़िल्टर अभी तक चेंज नहीं किया है। भले मैंने 1-2 बार ऑयल भी चेंज किया था जब ज़रूरत थी तब, उसके बाद ऑयल फ़िल्टर कभी चेंज नहीं किया है। 99 RPM से मैंने मंगाया है तो उसको आने को थोड़ा टाइम लग रहा है, और जैसे ही आ जाएगा वैसे ही ऑयल डालूंगा। और इस बार मैं कैस्ट्रॉल का ऑयल डालने वाला हूँ, ना कि मोटुल का, तो मुझे उसका परफॉर्मेंस भी देखना है एक बार। बाकी मिरर भी आ रहा है 99 RPM से ही। अभी कोविड के वजह से थोड़ा डिलीवरी में डिले हो रहा है। तो जैसे कि आप राइट साइड में ये बिल्डिंग देख रहे हो वाइट वाली, रुको, ये जो बिल्डिंग है वो है इस्कॉन टेंपल खारगर का, और अभी भी इसका कंस्ट्रक्शन चालू है। दिस इज़ द सेंट्रल पार्क, अभी फ़िलहाल में कोविड के वजह से बंद है, नहीं तो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। आज का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि मोटो व्लॉग करूं, जिससे मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी व्लॉगिंग की। ये है गुरुद्वारा, और ये क्या बन रहा है मुझे नहीं मालूम। दिस इज़ द गुरुद्वारा, अभी हम लोग जाएंगे राइट में। ये है हमारा ट्रैक जहाँ पर हम लोग आके चिल करते थे। यहाँ पर शूटिंग भी हुई थी मर्दानी 2 की, जिसमें वो कार का सीन है, लड़की को जो लिफ्ट देता है उसकी शूटिंग हुई थी यहाँ पे। हम लोग अभी वो साइड से ये साइड में आए हैं, पैरेलल है उस रोड के। जब हेलमेट में कुछ घुस जाता है या कुछ खुजली होती है ना, बहुत इरिटेट होता है और समझ में नहीं आता है क्या करें जल्दी। तो ये देखिए लाइटिंग है उत्सव चौक पर अच्छी खासी, ये रिसेंटली लगाया है, और बीच में फाउंटेन भी रहता है कभी कभी। अभी फ़िलहाल में पानी का यूज़ नहीं हो रहा है उसमें, वो बंद है कह सकते हैं। चलो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। ये एक वैसे ही मैंने शॉर्ट एंड सिंपल व्लॉग बनाने की कोशिश की। अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो आप लाइक कर सकते हो, नहीं लगा रहेगा तो डिसलाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो अच्छा लगेगा कंटेंट तो। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुद के परिवार का ख्याल रखें, और कोरोना से सुरक्षित रहे, दूरी बनाए रखें। चलो, take care.